एक ताजा अपडेट, सिनेमा को लेकर भाजपा सरकार पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं। भाजपा सरकार ने सिनेमा को सियासी विचारधारा का हथकंडा बना दिया है। सिनेमा जगत को नफरत की तलवार से दोफाड़ किया जा रहा है। सार्थक सिनेमा उम्मीद और बदलाव लाता रहा है, पर भाजपा यह नहीं चाहती। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि फिल्म मनोरंजन का साधन है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे सियासी विचारधारा का हथकंडा बना लिया है। सिनेमा के विषय को ही नहीं, सिनेमा जगत को भी भाजपा की डर और अविश्वास फैलाने वाली नफरत की तलवार से दोफाड़ किया जा रहा है। सार्थक सिनेमा उम्मीद और बदलाव लाता रहा है, पर भाजपा ये नहीं चाहती। ये ट्वीट अखिलेश यादव का, पूरा कंटेंट आपकी स्क्रीन पर। बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर सिनेमा को लेकर अखिलेश यादव का। सिनेमा के जरिए नफरत फैलाई जा रही है और सिनेमा को अपना हथकंडा बना लिया है, यह आरोप है अखिलेश यादव का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। देखिए आप, पूरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भाजपा की डर और अविश्वास फैलाने वाली नफरत की तलवार से सिनेमा को दोफाड़ किया जा रहा है। सार्थक सिनेमा उम्मीद और बदलाव लाता रहा है, पर भाजपा ये नहीं चाहती। फिल्म मनोरंजन का साधन है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे सियासी विचारधारा का हथकंडा बना लिया है। सिनेमा के विषय को ही नहीं, सिनेमा जगत को भाजपा की डर और अविश्वास फैलाने वाली नफरत की तलवार से दोफाड़ किया जा रहा है। ये ट्वीट और ये बड़ा आक्रमण अखिलेश यादव का, ये बड़ा आक्रमण सिनेमा को लेकर भाजपा पर और सरकार पर। सिनेमा की बात करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है सिनेमा को आधार बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। सिनेमा के भीतर डर और अविश्वास फैलाने वाली और नफरत फैलाने वाली बातों को घुसाने का आरोप लगाया है और भारतीय उद्योग जगत को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आमंत्रण देने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचे सीएम योगी। 5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश लेकर यूपी लौटे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उत्तर प्रदेश के गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने सहित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बड़े निवेश का प्रस्ताव दिया है। अडानी समूह ने पीपीपी बोर्ड पर बलिया और श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ साथ नोएडा में 10,000 युवाओं को क्षमता वाला कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है। मुख्यमंत्री से हुई इस भेंट के दौरान जिन विषयों पर निवेश की सहमति बनी है, अब वो 10 से 12 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में औपचारिक रूप ले लेंगे। 2 दिन के मुंबई दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ रिलायंस, टाटा सन्स, अडानी, गोदरेज, बिरला, पिरामल, वेदांता, पार्ले, हिंदुजा, लोढ़ा और रैमकी सहित 2 दर्जन से ज्यादा उद्यमियों ने मुलाकात की। मैराथन कार्यक्रमों के बीच उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ हुई विशेष मुलाकातों में मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत को प्रधानमंत्री मोदी के $5 ट्रिलियन के संकल्प से जुड़ने का आह्वान किया। क्या मिला 2 दिन के दौरे में उत्तर प्रदेश को मुंबई में, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है। हर जिले में जियो सेंटर होगा इसके तहत, हर जिले में। कानपुर और लखनऊ के बीच सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी। आध्यात्मिक शहर से एयर इंडिया की उड़ान होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े निवेश होंगे इसके तहत। गांवों के विकास के लिए निवेश किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में निवेश किया जाएगा। नोएडा में कौशल विकास केंद्र बनाया जाएगा। वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक सेंटर में निवेश किया जाएगा। पावर, हाइड्रोजन, ईवी क्षेत्र में निवेश होगा। फूड प्रोसेसिंग और सेमीकंडक्टर में भी निवेश के प्रस्तावों पर एक सिद्धांतिक मंजूरी हो गई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने यूपी में बंपर निवेश का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि देश के बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। मुंबई में सीएम की मौजूदगी में बड़े प्रस्तावों पर उद्योगपतियों ने अपनी सहमति जाहिर की है। ये देखिए मुलाकात की तस्वीरें, मुकेश अंबानी के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात की तस्वीरें, दूसरे जो बड़े उद्योगपति थे उन सभी के साथ मुलाकात। देश को एक नई दिशा,
और हम सबको पूरे मंत्रिमंडल और अधिकारी और प्रदेश के सभी लोग विदेश भर में भी गए। उत्तर प्रदेश का डंका विश्व भर में बज रहा है और आपने देखा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का मुंबई में उद्योग नगरी में देश की आगमन हुआ, जहां देश के सभी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और सभी बैंकर्स और तमाम लोगों ने, स्टेक होल्डर्स ने माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है और निवेश की घोषणा की है। और उन्होंने वहां ये भी संकल्प दोहराया है कि जो उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टर समिट है जो फरवरी के 10, 11 और 12 को हो रहा है, उसमें उनका प्रतिभाग, उनकी भागता वहां पे भाग लेंगे। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।